हर घर तिरंगा कैंपेन नू लैके अज मनजिंदर सिंह सिरसा होरां वल्लों फ्लैग राइड कढ़ी गई है, जिस दे विच 750 जिहड़े सिखां ने मोटरसाइकिल ते झंडा लहरांदे होए इत्थे दिल्ली दे विच बाइक राइड दे चले ने। मकसद की है सारी चीज़ का? सिखा की बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है इस देश की आजादी अंदर। सब तो ज्यादा कुर्बानियां, सब तो ज्यादा शहादत, सब तो ज्यादा जेलों। ये तिरंगा किसी परिवार या किसी की आजादी, किसी की जागीर नहीं। तो इस करके जो अज घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का एक मुहिम निकली है, तो वो अंदर भी सब तो वड्डा योगदान साडा ही होना चाहिए। जो सिखा की गल करा, जो बैवल कला मोर्चा लाई बैठे ने, उन्होंने कहा कि हर कोई 15 तारीख न घर के उपर जो केसरी निशान है जरूरी है। केसरी निशान तो साड़ी पहचान है, वो तो जरूर लगना चाहिए। पिछे कोई इतने इतने कोई गल अगर ये इतराज करता तो बेवकूफ। ये देश की पहचान है, वो धर्म की पहचान। कहते कि 24 घंटे के अंदर अंदर असं सारे जेलों च दे देना है, बजाय उन्होंने जेलों च की देना से जो उन्होंने वकील से उन्होंने अज एडवोकेट जनरल बनाया गया। वो कोर्ट च अपीयर नहीं हो सकते बेअदबी के मामले अंदर सरकार वालों, क्योंकि अक्यूज्ड वालों अपीयर होए हुए। सिमरजीत सिंह मान कहते हैं कि सिखा इतने कोई ओनी आजादी नहीं है। की गल, उन्होंने गलत सारिया उन्होंने लोगों वास्ते गल ने। संविधान कहते मैं मनन तैयार नहीं, कहते सिख महफूज नहीं। आप पार्लीमेंट के अंदर बैठ के बोलते, लेकिन उत्थे जाके सारिया गल भुल गए, इतने आगे गल कर लग पे। उन्होंने कहा कि मैं इस सरकार इस संविधान की अखंडता की सहु चुकदा है। जिहड़ा बंदा सहु चुक रहा है कि मैं भारत की अखंडता की सहु चुक रहा है, वह किवें कह सकता कि मैं भारत की वक्री जगह चाहना? तुम कहो ना अपने बेटे को कि वह आके विरोध शुरू करे, तो लोगों ने पार्लीमेंट के अंदर भेज, तो तुम उत्थे भी विरोध नहीं करते, तो लोगों को जेलों से जाने को कहते पे जे गलत गल। घट गिनतियां कित ना कि हिंदुस्तान धक्का होंगे, वो चीज़ की उन्होंने की कहना? दसो मैं पूछना चाहना है 1984 च कितना वड्डा धक्का होया? 47 ही पहले तो धक्का होया, पहले तो मुकर ही गए, जी कमिटमेंट की उस तो मुकर गए। जो पंजाबी बोलते सूबे की गल करते जेल च पा देंगे, धक्के हुए ने, नो डाउट। यही तो दर्द है सिखा च, और दर्द की पीड़ और की, यही तो पीड़ा उन्होंने, यही तो तकलीफ दी उन्होंने गलत। इन्हों तो किसी ने मरम लाने की कोशिश ही नहीं की। लोग एक दूजे तो माड़ा बोलते हैं, पर जो हमने सरकार एक नौकरी कढ़ दूगी ना, एक नौकरी 50,000 बंदा लाइन च लग जूगा जाके एक नौकरी। बेरोजगारी की निशानी 70 साल 75 साल सोचा ही नहीं ना, लुटन वाले पास ध्यान दिता है, सानू आबाद करने वाले पास ध्यान नहीं दिता। दोस्तों तुसीं रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो, तो मैं शशम नागरा तुहाडे सारयां दा स्वागत करदा। इस वक्त दिल्ली मौजूद हां, जिथे कि अज हर घर तिरंगा कैंपेन नूं लैके अज मनजिंदर सिंह सिरसा होरां वल्लों इक जिहड़ा फ्लैग राइड कढ़ी गई है, जिस दे विच 750 जिहड़े सिखां ने मोटरसाइकिल ते झंडा जिहड़ा लहरांदे होए इत्थे दिल्ली दे विच बाइक राइड दे चले ने। सब तो पहला तुहाडा सारयां दा स्वागत है, की मकसद की है सारी चीज़ का? देखो सिखा की बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है इस देश की आजादी अंदर। सब तो ज्यादा कुर्बानियां, सब तो ज्यादा शहादत, सब तो ज्यादा जेलां। और ये देश की अगर मैं गल करा आजादी के अंदर, शहीद भगत सिंह की गल करो, शहीद उधम सिंह की गल करो, चंद्रशेखर आजाद वर्गे लोगों ने इस देश को आजाद कराने वास्ते बहुत वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर अगर आप ध्यान करिए तो केवल एक परिवार तक सीमित रह के रह गए। एक परिवार का नाम आता सी, एक ही सब कुछ आता सी। अज ये तिरंगा किसी परिवार या किसी की आजादी, किसी की जागीर नहीं। आजादी आजादी के परवानिया ने जिन्होंने अपनी शहादत जाना दी, उन्होंने करके मिली सानू आजादी। इस करके सानू फकर आ, अज जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, सानू लगा ये साडा सारे का माण है और साडा फर्ज बनता है। देश प्रस्ती साडे कौम के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर अज भी अगर कोई सब तो बहादुर कौम मनी जाती, वह सिख ने। अज भी बॉर्डर से अगर लड़ाई लड़नी हो, शहादत देनी हो, तो सब तो पहला सिख ने। देश में महफूज रखने वास्ते सब तो ज्यादा अज भी सिखा का योगदान है। तो इस करके जो अज घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का एक मुहिम निकली है, तो वो अंदर भी सब तो वड्डा योगदान साडा ही होना चाहिए। सिरसा साहब दूसरे पास जी मैं दूजे सिखा की गल करा, जो बैवल कला मोर्चा लाई बैठे ने, जिन्होंने हाले तक जो बेअदबी का या फिर जो उसे निर्दोष मरे ने उन्हों का इंसाफ नहीं मिले, वो भी जिहड़ा वो सेंटर वाल भी देख रहे ने, पंजाब की सरकार वाल भी देख रहे ने। वो कहंदे ने कि असी जे इस तरीके नाल उन्होंने 16 तरीक नूं मिथे, तो उन्होंने कहा कि हर कोई 15 तरीक नूं जिहड़ा घरां दे उपर जिहड़ा केसरी निशान है वो चला। जरूरी है, केसरी निशान तो साडी पहचान है। केसरी निशान तो निशान सब तो उच्चा लगता है, वो तो जरूर लगना चाहिए। पिछे कोई इतने इतने कोई गल अगर ये इतराज करता तो बेवकूफ। देखो केसरी निशान साडे धर्म की पहचान है, साडी धर्म की निशानी है। हर सिख दे अंदर यह जज्बा होना चाहिए है। ये देश की पहचान है, वह धर्म की पहचान है। इस करके जेडे बरगाड़ी बैठे ने, सानू बड़ा दुख ते अफसोस आ कि आम आदमी पार्टी जी सरकार आई आ, उन्होंने हुण एक मौका मिला सानू इंसाफ देने का।
अगर तुहानूं याद होवे अरविंद केजरीवाल कहिंदे सी कि साडी 24 घंटिआं दे अंदर अंदर असीं सारिआं नूं जेलां च दे देणा है, बजाय उहनां नूं जेलां च की देणा सी जिहड़े उहनां दे वकील सीगे, जिहड़े कातलां दे वकील सीगे, उहनां नूं अज एडवोकेट जनरल बनाया गया। तुहाडी जानकारी वास्ते मैं पंजाब दे लोकां नूं हत्थ जोड़ के सिमर बेनती करना चाहुंदा, शायद तुहानूं नहीं पता होगा हुण उह एडवोकेट जिहड़ा सरकार दा पक्ष रखदे आ विनोद गई जिहड़े आ उह कोर्ट च अपीयर नहीं हो सकदे बेअदबी दे मामले अंदर सरकार वल्लों, क्योंकि अक्यूज्ड वल्लों अपीयर होए हुए ने। अज सरकार कल तक कह रही थी असीं बेअदबियां दे लोकों अंदर देना है, हुण अंदर देण तों जिन्हां ने बचाया उन्हां नूं तगमे दे के ते एडवोकेट जनरल बना रही, इंसाफ कित्थों मिलना है। जगह जगह हर सूबे जा रहे हैं, हर देश के अंदर हर जगह से सिख जो मेन स्ट्रीम च रहे। देखो एक बड़ी वड्डी लोड़ आ, असी आइसोलेशन च रह के प्रोस्पर नहीं कर सकते, असी आइसोलेशन च रह के अगे नहीं वध सकते, असी आइसोलेशन च रह के अपने बच्चों नूं प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते। अज मुख धारा के अंदर बहुत लोड़ आ, क्योंकि अज्ज मौके की सरकार जी हर तरीके साडा साथ देना चाहती है। तुसी देखो कभी होया कि लाल किले के उत्ते जाके प्रधानमंत्री दूजे वार गुरु तेग बहादुर साहब जी को समर्पित होकर तो प्रोग्राम करना 75 साल च नहीं किसी ने किया। हुण लक्की शाह बंजारा जी का 10 तरीक नूं गृहमंत्री प्रोग्राम कर रहे, भारत सरकार कर रही है, कभी कल्पना की इस मुल्क अंदर तो गुरु नानक देव जी की कोई गल करन तैयार नहीं सी, अज उन्हां दे सेवकां दी भी गल हो रही है, अज लक्की शाह जी की भी गल हो रही है। ये एक बदलाव आया है, सानू इहदा लाभ लेना चाहिए। अज साडे इतिहास नूं अज दी मौके दी सरकार अगे लिआउणा चाहुंदी है, साडे इतिहास लोगों नूं दसना चाहुंदी है कि सिखां दी बहुत वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन आ, सानू उस दे नाल जुड़ के ते दुनिया तक इह संदेश पहुंचाउण च उहनां दी मदद करनी चाहिए। कई सिख यह भी ने जिस तरीके दे नाल जे गल करिए संगरूर तों मैंबर पार्लीमेंट सिमर सिंह मान कहिंदे ने कि सिखां नूं इत्थे कोई ओनी आजादी नहीं है। ठीक गल, उहनां दी गल्लां सारियां उहनां दीआं लोकां वास्ते गल्लां ने, उहनां दे बच्चे उही पासपोर्ट लै के घूमणगे, उसे संविधान की सहुं चुकी ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਰਵਾਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਬਿਤੌਰ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊ। 1984 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, 47 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਦਰਦ ਕੀ, ਪੀੜ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੀੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਹਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ 750 ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਣ ਕਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਔਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ,
इन्हां धरतियां नूं आपां सलाम करदे हां, इस मिट्टी नूं असीं सलाम करदे हां, इस करके इस मिट्टी दे नाल असीं जुड़े, इस मिट्टी दे कण कण दे असीं ऋणी हां। देखो आप अपनी नेगेटिविटी नूं त्यागीए, मुद्दे बहुत होणगे लेकिन गालां दे नाल कढ के लोगां नूं माड़ा चंगा बोल के हल नहीं। आपां पहिलां विचारीए हुण की हो रहा है, लोग एक दूजे नूं माड़ा बोलदे आ, पर जे हुणे सरकार एक नौकरी कढ दूगी ना, एक नौकरी ते 50,000 बंदा लाइन च लग जूगा जाके एक नौकरी। बेरोजगारी दी निशानी है। नहीं, मैं यही दस लगा ना क्यों आ, क्योंकि सानू किसी ने स्ट्रेंथन करने की कोशिश ही नहीं की थी। एक छोटी नौकरी पिछे लोग लाइन च लग जाते हैं, लेकिन जो गालां कढ़नियां ने उदो बाकी नूं गालां कढ़दे ने। लोकां दा हक है जे बेरोजगार ने तां 50,000 ताई ते ने, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं ना साडे वल। मैं यही तो कह रहा 70 साल 75 साल सोचा नहीं ना, लुट्टण वाले पासे ध्यान दिता है, सानू आबाद करने वाले पासे ध्यान नहीं दिता। समा देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सन मनजिंदर सिंह सिरसा जी वालों। अज इस तरीके दे नाल जिहड़ा तिरंगा यात्रा कढ़ी गई है 750 सिखा वालों, तो इन्हों का यह भी कहना है कि सानू माण महसूस होंगे कि असी इस देश की इस मुल्क की आजादी के सब तो मोहरे से, सानू इस आजादी उस तरीके मनाना चाहिए। तो नाल दी नाल इस जिहड़ी कैंपेन नू हर घर तिरंगे नू होर तेजी के 15 अगस्त तक लैके जाया जाऊगा। कैमरामैन अमन के नाल मैं शशम नागरा दिल्ली।